भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा और वनवास काट कर जब वह अयोध्या पहुंचे तो पूरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। कुछ इस तरह की कहानी हरदोई के सांडी के रिकू उर्फ गुरप्रीत सिंह की है, जो 12 साल की उम्र में पढ़ाई के डर से घर से वर्ष 2007 में चुपचाप निकल गया था और तब से 14 साल बाद होली के पहले अपने घर वापस लौटकर पूरे परिवार को खुशियों के रंग से सराबोर कर दिया है। परिवार के लोग 14 साल पहले अपने खोए हुए बेटे को अपने कुल के दीपक को पाकर खुशियों के रंग में रंगे हुए हैं। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है क्योंकि 12 साल पहले गुम हुआ बालक 26 साल का सरदार नौजवान बनकर वापस लौटा है। यही नहीं, इस दौरान वह सरदार होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत हो गया है जिसकी कल्पना उसके गरीब माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। बताते चले कि इस युवक का असली नाम रिंकू है। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व 2007 में रिंकू को उसके पिता ने पढ़ाई को लेकर डांट दिया था, जिसके बाद रिंकू चुपचाप घर से लापता हो गया था। बेटे के लापता होने के बाद पिता ने उसकी तलाश भी की, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता अपने बेटे के नाम मिलने पर उसके साथ कुछ अनहोनी होने की नियति मानकर शांत बैठ गए। लेकिन होली से कुछ पहले अचानक परिवार में खुशियों का रंग तब भर जाता है जब रात रिंकू 14 साल बाद उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल 12 साल की उम्र में घर से निकलने के बाद रिंकू किसी ट्रेन में बैठकर लुधियाना पहुंच गया, जहां उसे एक सरदार ने शरण दी और अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम भी दे दिया। उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते करते रिंकू ने ट्रक चलाना सीखा और ट्रक चलाते चलाते वह खुद ट्रक का मालिक बन गया और फिर अचानक 14 साल बाद अपने परिवार के सामने आकर खड़ा हो गया। यही नहीं, पंजाब में रहने के दौरान उसकी पहचान भी बदल गई और वह रिंकू से गुरप्रीत सिंह हो गया और सरदारों की तरह रहन सहन और पगड़ी भी पहनने लगा। यही नहीं, उसने प्रेम विवाह भी कर लिया। रिंकू उर्फ गुरप्रीत के हरदोई आने की कहानी भी अपने आप में दिलचस्प है। दरअसल रिंकू उर्फ गुरप्रीत का अपना एक ट्रक धनबाद में एक्सीडेंट हो गया था, जिसको छुड़ाने के लिए रिंकू उर्फ गुरप्रीत अपनी लग्जरी कार से धनबाद जा रहा था। रास्ते में जब वह हरदोई पहुंचा तो उसे अपने गांव और परिवार की सुध भी हो आई और वह सीधा ना जाकर पता लगाकर गांव के पास पहुंच गया, जहां उसे अपने माता पिता का तो ध्यान नहीं था लेकिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति सूरत यादव का नाम ध्यान था। उसने लोगों से सूरत यादव के घर पहचाने की बात करी, लोगों ने उसे उनके पास पहुंचा दिया। आखिर 14 साल के बाद अपने माता पिता और परिवार के लोगों से मिलने के बाद रिंकू उर्फ गुरप्रीत बहुत प्रसन्न है और अब वह अपने माता पिता के साथ ही रहने की उम्मीद संजोए हुए है। ये आपका बेटा जो है कितने उम्र का था जब ये लापता हो गया और कितने साल बाद आपको मिला है? कैसे ये लापता हुआ था और कैसे ये मिला है और क्या अब आप लोगों को पूरे परिवार में खुशी महसूस कर रहे हैं? हमारा 12 साल का ये बेटा था, 12 साल में हमारा ये नल लग रहा था, नल पर काम हो रहा था। हमने कही बेटा ऐसा है, तुम चले जाओ बेड़ लगाओ, हम लोग यहाँ काम करेंगे। लेकिन इन्होंने बेड़ एंड कुछ नहीं लगाई, कपड़ा खींचे तो हमने फिर शाम कही, हमने के बेटा ऐसो है, तुम पढ़न नहीं गए, अब तुम्हें हम मरीबो हो, नहीं तो पढ़िया पढ़न जाओ। लेकिन जे पढ़न गए नहीं, कपड़ा नीचे नए पहन दे, ऊपर से पुराने पहन दिले, हम लोगों को डाउट नहीं हो, ये जाए कि अपने निकलिए। हम लोग शाम को ढूंढते रहे, नहीं ढूंढे मिले। दो चार दिन महीना बाद साल भर फिर हम 12 साल हो गए, हमने कहे अब का आपदा है ना, 12 साल बाद जे लौटे। 12 साल की 14 साल 14 साल क्या बताया 14 साल क्या बताया इन्होंने 14 साल बाद लौटे, हमारे पैर छुए, हमने इनको पहचान नहीं पाया, इन्होंने हमारा नाम भी भूल गए। हमारे पास सूरत यादव रहते हैं, उनका नाम इनको ध्यान था, फिर इन्होंने कहा कि हमको वहाँ पहुँचाओ, यहाँ से गाड़ी ले गए आगे ले जाए, ग्राम रईस ने गाड़ी मुड़वाई। जब उन्होंने बताया कि ठीक है चलो, उन्होंने अकादमा से कह दिया क्या नाम रिंकू है, तब इन्होंने कहा हाँ, फिर ये हमारे पास आए, फिर भी पैर छुए, हमने इनको पहचान भी नहीं पाया। क्या इन्होंने बताया कहाँ गए थे? हमको यही बताया कि हम लुधियाना में हैं पापा, कोई परेशानी नहीं, अब तुम हमको बहुत दुख भारी हुआ, हम ढूंढते ढूंढते अत गए तो हमने आसरा ही इनका तोड़ दिया। अब आपको कैसा लग रहा है 14 साल बाद? अब हमें बहुत खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है
नौ जन्म इनको हमने पाओ, उसे हम अत बे आश रहे थे, नया जन्म इनको मिलो, हम दोबारा इन्हें को जन्म पाओ है, बाकी जो है अपनों करें और खाएं, जीवन अपनों बढ़िया बितावें। आप कहाँ चले गए थे, कितने साल की उम्र में, और कैसे वापस लौटे, और किस नाम के साथ वापस लौटे, और कैसे घर तक अपने पहुँचे? हमारा नाम वैसे रिंकू है। यहाँ 13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था, यहाँ से वैसे लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण, वहाँ पे काम कुम करता रहा जाके, ठीक है, बाकी सब सही हो गया, अब गाड़ी गुड़ी होगी, सब कुछ हो गया, यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा है फैमिली से मिलके, बाकी अब हमारा नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितने साल बाद आप? हम 13 साल बाद वापस आए यहाँ। कैसे पहचाना, कैसे आपने, कैसे पहुँचे यहाँ? पूछे पहुँच गए, पहले तो मैं गलत चला गया था आगे, वो कुछ छोड़ के गया घर। जी नहीं, घर पहुँचे कैसे, घर आए कैसे, कैसे जो है आपने जाना कि घर पहुँचना है हमें? इधर जाना था कलकत्ते साइड, हरदोई से निकल रहा था, मैंने सोचा चलो घर जाते हैं, उधर गाड़ी खड़ी थी, एक्सीडेंट हो गई है, उसके पास जाना था, फिर मैं इधर आ गया, मैंने बोला चलो एक दो दिन ही रुक जाते हैं। बीच में आपको अपने माता पिता की याद नहीं आई, जैसे जब आप जान लिए थे हरदोई के रहने वाले हैं, तो बीच में कभी संपर्क करने कोई कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश तो की, पर हमारे पास नंबर नहीं था, बाकी मैंने सोचा आप चलो जब आए तो हैं, कुछ बन के ही जाएंगे, तो इसलिए जो है आप 14 साल दूर रहे परिवार से। जी जी, बाकी अब नहीं दूर जाएंगे, अब तो यहीं पर रहेंगे, बहुत देख लिया है। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।